अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य संन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बहुबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर हैं,
उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को बहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा पान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है।